अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जो गोल्स सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से हायर कंट्रीब्यूशन रखते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं इस सेशन में हम गोल 16 पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉगर सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से सोशल एंटरप्रेन्योर्स इस गोल में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं गोल 16 प्रोमोटिंग इनक्लूसिव पीसफुल सोसाइटीज़ इम्प्रूविंग सिचुएशन ऑफ जस्टिस एंड एक्सेस टू जस्टिस एंड बिल्डिंग स्ट्रॉगर इंस्टीट्यूशनस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सस्टेनेबल डवेलपमेंट गोल है जब ये गोल यूनाइट नेशनस के एजेंडा ट्वेंटी थर्टी और सस्टेनेबल डिवेलपमेंट गोल्स की लिस्ट में शामिल किया गया एंड दैट्स फॉर द फर्स्ट टाइम कि इस तरह की कोई चीज़ जो है वो इंटरनेशनल एजेंडा में शामिल की गई तो इट वाज़ कंसीडर्ड ट्रांसफॉर्मेटिव कि ये बिल्कुल एक दुनिया को बदल देने वाला स्टेप था जहाँ मुल्क आपस में लड़ते हैं उनके रिसोर्स के लिए आपस में क्लैश हैं जहाँ पे मफाद का टकराव है वहाँ पे पीस जस्टिस और स्ट्रॉगर इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है और उसको अचीव करने के लिए दुनिया के तमाम ममालिक जो हैं वो कमिटमेंट कर रहे हैं इसका सीधा साधा मतलब तो होना चाहिए कि दुनिया में कोई वॉर नहीं होगी दुनिया में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा कहीं पे कोई क्राइम्स नहीं होंगे इंस्टीट्यूशन अपना काम करेंगे विच मीन्स डिवेलपमेंट ह्यूमन वेल बींग इंसान अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे इस लिहाज से इस गोल को बहुत ही एम्बीशियस और समटाइम्स अनरियलिस्टिक भी करार दिया जाता है इस गोल को मेजर करने के लिए 12 टारगेट्स रखे गए जिसमें कुछ जो हैं वो ज्यादा जिनको समझा जाता है कि अचीवेबल हैं और कुछ को ज्यादा एम्बिशियस या अनरियलिस्टिक समझा जाता है फॉर एग्जाम्पल प्रमोटिंग पीस फुल सोसाइटीज थ्रू रिड्यूसिंग वायलेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टारगेट है कि कैसे आप पीस को प्रोमोट करेंगे दुनिया में वायलेंस को कम करके जबकि मुल्क जो हैं वो उसमें फ्री हों एक दूसरा नस्बता अचीवेबल जो टारगेट है वो है एंड वायलेंस एंड अब्यूज़ अगेंस्ट चिल्ड्रन। बच्चों के हवाले से ये जो हम रोज़ पाकिस्तान में कोई ना कोई अब्यूज़ का केस सुनते हैं इट्स जस्ट एन टिप ऑफ एन आइसबर्ग ये बहुत कम है जो आप तक पहुंचता है बच्चों की अब्यूज़ और एक्सप्लाइटेशन दुनिया में आम है और अगर हमें एक सिक्योर सस्टेनेबल फ्यूचर चाहिए तो उसको ख़त्म करना होगा इसी तरह जो इलिसिट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जिनके ज़रिए बाजुकत कहा जाता है कि टेररिज्म जैसी और वॉर जैसी एक्टिविटीज़ को फाइनेंस किया जाता है उसको कम करना या ख़त्म करना ये वो टारगेट्स हैं जो अचीव करके इस गोल को मुमकिन बनाया जा सकता है इस गोल पे जो सक्सेस कह लें या इसकी जो अचीवमेंट है उस प्रोग्रेस अन है और इट इज़ ऑबियस समझ आने वाली बात है आ, 2022 तक यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक दुनिया में 100 मिलियन लोग जो हैं वो ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट वायलेंस uh, या किसी किस्म की ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की वजह से अपना घर बार बाजुकात अपनी कम्युनिटीज और अपना मुल्क तक छोड़ने पर मजबूर हैं इसी तरह तकरीबन 1.1 ट्रिलियन यूरोज़ ब्राइबरी करप्शन और टैक्स वेजन में ख़ास तौर पर डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये पैसा ज़ाया हो रहा है जो कि उन कंट्रीज़ के लोगों की डेवलपमेंट पर खर्च किया जा सकता है जब किसी मुल्क में वॉर होगी चाहे वो किसी और मुल्क के साथ हो या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो क्राइम रेट्स हाई होंगे तो आप समझ सकते हैं इन्वेस्टर्स वहाँ पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे जब इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी तो लोगों की सोशल डेवलपमेंट जो है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ होगी एनवायरमेंटल कॉम्प्रोमाइज़ भी होगा इसलिए सोशल एंटरप्रेन्योर्स और दीगर स्टेक होल्डर्स जो हैं उनका रोल इम्पोर्टेंट है वार्स तो चले मुल्कों के दरमियान हो गई और मुल्कों को उसके ऊपर कुछ करना है कि वो अपने जो हैं वो रिजॉल्व करें लेकिन सोशल एंटरप्रेन्योर्स इस ह्यूज गोल को अचीव करने में क्या रोल प्ले कर सकते हैं सोशल एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो कन्सिडर करने की चीज़ है पिछले पचास सालों में दुनिया में जो टोटल वार्स और कॉन्फ्लिक्ट उनमें से फोटी परसेंट नैचुरल रिसोर्स की वजह से हुए हैं जो कि रॉ मटीरियल है बिज़नेस और एंटरप्राइज के लिए जो करप्शन हुई है इंस्टीट्यूशनस में जो पब्लिक ऑफिस या ऑफिसर्स लोगों से बिजनेस से मांगते हैं रिश्वत या टैक्स अवेजन्स जो बिज़नेस करते हैं वो मैं ऑलरेडी आपको मैंशन कर चुकी हूँ वन पॉइंट वन ट्रिलियन अगर सोशल एंट्रप्रेन जो हैं कोई इनोवेटिव सोलूशन जैसा कि वो हैबिचुअली करते हैं इन चीज़ों को टेकल करने के लिए ला सकें तो डेवलपमेंट जो है वो सस्टेन हो सकती है एक एग्जाम्पल जो मैं आपके सामने इसके लिए कोट करूंगी सक्सेसफुल वो कॉप वेब टेक्नोलॉजीज नामी एक अमेरिकन स्टार्टअप है ये लोग वेब से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं टेररिज्म, वायलेंस क्राइम और इस किस्म की जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं उनके हवाले से और दुनिया की कोई भी एजेंसी जो है उन पर फिर लीगल एक्शन ले सकती है इस तरह से वो इन डायरेक्टली पीस को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रोमोट करने में और जस्टिस को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इसी तरह एलिसिट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है उनको रोकने में हेल्पफुल हो रहे हैं एक और इनिशिएटिव जो है वो चौको फॉर पीस है जिसका मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ कि कोका की प्रोडक्शन में जो स्लेवरी और चाइल्ड लेबर और उस किस्म के इश्यूज़ हैं उनको डील करने के लिए लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज़ में इनिशिएटिव्स जो हैं वो सोशल एंटरप्रेन्योर्स ने लिए हैं और वो पीस और सोशल जस्टिस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं थैंक यू